हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन कंपटीशन ऊपर में। सबसे पहले आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम। देखिए, आप लोगों का जो अभी 1275 वाला जो परीक्षा हुआ है, उस 1275 वाले परीक्षा का रिजल्ट कब आएगा और फिजिकल कब होगा, ये तो आपका कंसर्न है ही, साथ ही साथ न्यू वैकेंसी कब आएगी ये भी कंसर्न है। सबसे पहले 1275 वाला बात कर लेते हैं। आप लोगों को यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर में, ठीक है, मैं लेके चलता हूँ और आपको स्क्रीन के ऊपर में कट ऑफ दिखेगा, ठीक है। बट उससे पहले ध्यान रखिएगा, 27 तारीख यानी 27 मार्च डेट निकल के आ रहा है फिजिकल का। तो अगर आप लोग मेंस में सम्मिलित हुए हैं तो खुद को मान के चलिए कि आप लोगों का डेफिनेटली एग्ज़ाम निकलेगा और आप दौड़ेंगे ज़रूर, ठीक है। अब यहाँ पे स्क्रीन पे आप आइए, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, मैंने ऑलरेडी आपको प्रीवियस वीडियो में मैंने कट ऑफ शेयर किया था, तो ये आपको कट ऑफ दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है मेंस का, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा तो कैटेगरी वाइज मैंने यहाँ पे बांट रखा है, यानी जनरल का जो है 71 से 75 के आसपास अगर आप आ रहे हैं, इस बीच में हैं, ठीक है, तो जनरल कैटेगरी में आप बिल्कुल आशान्वित रहिए और आपका डेफिनेटली चांसेस है ये निकलेगा, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की बात कर लेते हैं अगर हम लोग, देखिए ईडब्ल्यूएस जो है 70 से लेके 73 तक, ठीक है, 70 से लेके 73 तक अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, तो आपको चांसेस है, हार्ड चांसेस है। बीसी की बात कर ले तो 71 से 74 के बीच में आप चांसेस हैं। ईबीसी 70 से 72, एससी जो है 66 से 68 और एसटी 70 से 72। तो आज कमेंट में एक हमारे यूजर थे वीडियो पे, उन्होंने कमेंट किया था और शायद एसटी के बारे में पूछ रहे थे, 68 में है वो और मेल है और बोल रहे थे क्या चांसेस हैं। तो देखिए बिल्कुल आप कॉर्नर पे हैं, बिल्कुल एज पे हैं, एकदम चांसेस हैं। आप देखिए ये जो कट ऑफ मैंने शेयर किया, ये 100% यही कट ऑफ उठ के नहीं आ जाएगा, जरूरी नहीं है, ठीक है। आयोग अपना कट ऑफ निकालेगा, ये एक एक्सपेक्टेशन है, मेरा एक्सपेक्टेशन है कि इतना कट ऑफ जा सकता है, पहली बात तो ये है। अब बात कर लेते हैं, सबसे पहले देखिए एक कंसर्न आप लोगों का बार बार आप लोग ये पूछते रहते हैं, बोलते रहते हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसे रहते हैं। देखिए लास्ट भी जो है, मैं अगर बात करूं तो 1275 में भी, ठीक है, प्रीलिम्स में हमारे जो बैचेस हैं उनमें से स्टूडेंट्स निकले हैं। 69th की अगर मैं बात करूं, 69th में भी हमारे बैचेस के थ्रू स्टूडेंट्स निकले हैं। तो मैं क्यों बोल रहा हूं, अगर हमारे थ्रू क्यों निकलते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जब मुझे एक्सपीरियंस है, मैंने देखो मैंने दरोगा प्रीलिम्स निकाला, मेंस निकाला, मैं आपको बार बार बोला हूँ मैंने जो गलती करी वो आप मत करिए। मैं फिजिकल में छटा हूँ और मैं हजार बार बोला हूँ दौड़ना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, पढ़ने से बहुत मुश्किल है दौड़ना। आपको अगर बोल दिया जाए, अगर मैं बोल दूं तो अभी 3 घंटे कंटिन्यूअसली आप पढ़ लो, लेकिन अगर मैं बोलूं 4 मिनट सिर्फ कंटिन्यूअस राउंड मार लो, 400 मीटर के हर्डल का जो है, 4 मिनट के अंदर में 4 चक्कर लगा लो, भाई आप मान के चलिए, अगर आप सिर्फ बैठ के पढ़ने वाले स्टूडियस स्टूडेंट हो तो आप 2 चक्कर के बाद आपका हालत खराब हो जाएगा, पानी मांग लोगे, दौड़ा नहीं जाएगा। आप बोलोगे कि भैया माफ करो, हम 2-4 घंटा फालतू दौड़ पढ़ लेंगे लेकिन दौड़ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो दैट्स वाई मैं हमेशा ये बोलता रहता हूँ, मैंने वो गलती करी थी, ठीक है। मैंने क्या गलती करी कि भाई मैं फिजिकल पे ध्यान नहीं दिया, मैं पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, मैंने सिर्फ पढ़ाई करा, फिजिकल पे कम फोकस करा। मैं ये सोचा कि एक बारी पहले प्री तो निकल जाए फिर दौड़ना स्टार्ट करेंगे। प्री निकल गया, उसका थोड़ा बहुत रनिंग करा, ठीक से नहीं रनिंग करा। मेंस तो निकल जाए, उसका डेट मिलेगा, भाई डेट नहीं मिलता है, समय नहीं मिलता है। अभी देखिए जो प्रोबेबल चांस है इसके रिजल्ट का, 1275 वाला जो अगर हम बात करें रिजल्ट कब आ सकता है, देखिए 1275 वाला जो रिजल्ट है, ऐसा चांसेस है, प्रोबेबल चांसेस है, देखिएगा 3 से लेके 6 तक, आज 1 मार्च हो गया, 3 मार्च से लेके 6 मार्च के बीच में कभी भी रिजल्ट आ सकता है, ये दिमाग में रखिए। क्योंकि 27 मार्च जो है, 27 मार्च ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है, फिजिकल 27 मार्च को जो है शेड्यूल है, ऐसा माना जा रहा है, गर्दनी बाग में फिजिकल शेड्यूल है 27 तारीख को, ये एक डेट निकल के सामने आ रहा है। ये कितना सही है ये आपको डिपेंड हो जाएगा, जैसे ही आपको 3 से 6 के बीच में अगर रिजल्ट आ गया, आप 27 वाला डेट एकदम श्योर मान के चलिए, ठीक है। अब बहुत लोग पूछेंगे कि भाई अभी तो इलेक्शंस हैं, इलेक्शंस में कैसे हो जाएगा, तो देखिए इलेक्शंस में एग्जाम नहीं होगा, क्योंकि इलेक्शंस में एग्जाम इसलिए नहीं होता क्योंकि सेंटर जो अक्वायर किया जाता है तो उस सेंटर्स को पोलिंग बूथ बनाया जाता है, इसलिए एग्जाम्स में थोड़ा दिक्कत हो जाता है, लेकिन इलेक्शंस के बीच में फिजिकल वगैरह तो हो ही सकता है, उसके लिए कोई इशू नहीं है, वो तो फील्ड में दोहराया जाएगा, ग्राउंड में दोहराया जाएगा, नॉट अ बिग डील। तो अगर कोई भी स्टूडेंट मेरे बारे में नहीं जानते हैं, मैं उनको बारे में अपनी जानकारी दे दूँ। देखिए मैं यूट्यूब पे लगभग 4 साल से कंटिन्यूसली पढ़ा रहा हूँ और मैं अन अकेडमी पे एजुकेटर भी रहा हूँ। अन अकेडमी को छोड़ने के पीछे जो मेरा मकसद रहा है,
क्योंकि मैं अपने YouTube चैनल पर फोकस नहीं कर पा रहा था। जब से मैंने अनअकैडमी छोड़ा है, अप्रॉक्सीमेटली मेरे को 6 महीना हो गया अनअकैडमी छोड़े हुए, मैं अपने YouTube चैनल पे काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ और 69वीं में भी मैंने रिजल्ट दिया है। उसके बाद बिहार दरोगा 1275 में भी रिजल्ट है हमारे बैचेस के थ्रू, मेंस में भी रिजल्ट है हमारे बैचेस के थ्रू। ठीक है, अब आप लोग, मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ कि अनअकैडमी पे, मतलब मैं एजुकेटर था और अनअकैडमी पे लगभग मेरे 2000 के आसपास फॉलोअर्स भी थे। ठीक है, तो जो आप यहाँ आइएगा, देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये जब क्लिक कीजिएगा अभी मेरे नाम के आगे आपको एक्स एजुकेटर दिखेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे सब कुछ जाके देख सकते हो। मेरे यहाँ पे पेड बैचेस भी हैं, सेपरेटली पॉलिटी का बैच मैं लेके आया था, और जो अभी टीचर वाला जो एग्ज़ाम हुआ था, ये TRE 1 जो हुआ था, ठीक है, TRE 1, उसमें ये मेरा पूरा बैच चला था। तो आप देख सकते हो मैंने अनअकैडमी में भी टीचिंग करा हुआ है। ठीक है, मैंने प्रीवियसली बिहार दरोगा निकाला है, मैंने BPSC का 65th में प्रीलिम्स, 66th में प्रीलिम्स मैंने निकाला हुआ है, मेंस मैंने लिखा है, वेरियस एग्जाम्स UPPCS का मैंने निकाला हुआ है। तो मुझे एम्पल जो है एक्सपीरियंस है हाउ टू क्रैक द एग्जाम। ठीक है, तो इसीलिए जुड़िए उनके साथ जिनके पास एक्सपीरियंस हो। अब बात करते हैं, अगर आप लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग कैसे जुड़ सकते हैं। आप लोगों का मेन कंसर्न रहता है कि सर जुड़ कैसे सकते हैं। ठीक है, तो जुड़ने की अगर हम बात करें, सबसे पहले जान लीजिए देखिए आपको क्या क्या मिलेगा। देखिए हमारा जो बैच स्टार्ट हो रहा है, बैच 15 मार्च से हमारा स्टार्ट होगा, और इस बैच में आपको क्या क्या दिया जाएगा। देखिए इस बैच के अंदर में आपको सबसे पहले तो आपका एक डेली का शेड्यूल दिया जाएगा, डेली का, यानी कि आपको पूरे दिन में क्या क्या पढ़ना है, टॉपिक्स आपको एक तो दिए जाएंगे। दूसरा, जो इम्पॉर्टेंट जितने भी टॉपिक्स हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट जितने भी टॉपिक्स होंगे उसका आपको वीडियो मिलेगा। ठीक है, और उस वीडियो को ऑब्वियसली जो हमारा हैंड रिटन नोट्स रहता है वो PDF फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा। हैंड रिटन नोट्स जो है वो हमारे हैंड रिटन टाइप का नहीं रहेगा, वो टाइप किया हुआ रहेगा, तो आपको PDF भी मिल जाएगा। साथ ही साथ देखिएगा आपको जो है अलग अलग जो प्रैक्टिस सेट होते हैं, जैसे कि एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट आता है, प्लेटफॉर्म का आता है, और भी बहुत सारे प्रैक्टिस सेट आते हैं, वो सारे प्रैक्टिस सेट का जो PDF का जो बुक का जो PDF होता है वो भी आपको यहाँ पे दे दिया जाएगा। तो आपको बहुत कुछ यहाँ पे मिलेगा। दूसरी बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखिए टाइम टू टाइम आपको अगर नहीं कुछ समझ में आ रहा है, यहाँ पे स्पेशल बैचेस भी चलेंगे। स्पेशल बैचेस का मतलब है एग्जाम से पहले खास करके फोकस करके वैसे स्टूडेंट जिनको प्रॉब्लम है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में या किसी पर्टिकुलर चैप्टर में, उनके लिए अलग से बैचेस ऑर्गेनाइज किया जाएगा, 1-2 घंटे का उनके लिए अलग से मैं टाइम दूंगा। दूसरा देखिएगा, दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज रहेगा आपको यहाँ पे जब एग्जाम होता है, होने वाला रहेगा, तो उस समय रिवीजन के लिए स्पेशल अलग से PDF, शॉर्ट नोट्स का PDF आपको दिया जाएगा। तो इस बैच में आपको बहुत कुछ मिलेगा। बैच का प्राइस ज़्यादा नहीं है, बैच का प्राइस केवल 499 है। बैच में जुड़ने के लिए आप लोग देखिएगा 9708351194, इस नंबर के ऊपर में आप लोग व्हाट्सएप पे या तो टेलीग्राम पे कहीं पे भी आप लोग मैसेज करिए, ठीक है, और पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजिए। आपको बैच में पहले तो टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा, उसके बाद आपको जो है वहीं पे सारे कंटेंट दिए जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा मैं कोई फैंसी टीचर नहीं हूँ, मैं बिलीव करता हूँ क्वालिटी देने में, है ना, ज़्यादा फैंसी पना करने में नहीं। तो अगर आप लोग सीरियस एस्पिरेंट हैं, आइए हमारे साथ जुड़िए और दरोगा बनिए। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।